हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी लाइव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिएगा वेदर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए तो आज के क्या सेशन है, आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिन्होंने इस पीपीएल की सीरीज में पार्टिसिपेट किया एंड नेक्स्ट लेवल पे अचीव हुए। बट बाकियों के लिए क्या, ये क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, मैं आपको मेंशन करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। सिर्फ और सिर्फ जीपैट के लिए नहीं बात करूंगा, फार्मा कंटेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा 50% हो सकता है, बट अदर कंटेंट की बात करेंगे। काफी स्टूडेंट्स अगर नाइपर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, डीआई या फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वहां पे नॉन फार्मासिस्ट के नॉन फार्मा कंटेंट के क्वेश्चन भी आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आपके करेंट अफेयर से चीजें रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। शक्ति प्रसाद, मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, एंड आई होप आप सभी लोग भी घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। जरूर अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर पे रहें, इस पेंडेमिक सिचुएशन में सुरक्षित रहें, दैट्स द मेन मोटो। कम ऑन, चलिए जल्दी से सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज है एंड आई होप डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा, यार हाँ ये चीज तो मैंने सुना है, ये चीज मैं जानता हूँ, ये क्वेश्चंस कुछ कुछ जानता हूँ, तो ऐसी चीजें यहाँ पे आपके माइंड में आने वाली हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग स्टूडेंट जुड़ जाएं। चलिए वेरी गुड। नहीं चंदन, सॉरी बेटा, मुझे मराठी नहीं आती है, हिंदी में ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे साथ स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे सारे जुड़ जाएंगे। ओके, नाइपर एग्जाम का भी कोई आइडिया नहीं है बेटा, कोई आइडिया नहीं है, सब एकदम कंफ्यूजन में है इस कोविड इरा में। सारी चीजें अभी सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस बन के रह गई हैं, तो थोड़ा उनको आपको इंतजार करना पड़ेगा चीजों को सही होने के लिए, डेफिनेटली उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूं, लास्ट जो हमने टेस्ट मैं आपके साथ लाइव था वहां पे हमने बात किया था लीग मैच में जो हमारा हुआ था, जहां पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट थे और वहां पे अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना था। बट ये हमारा था क्या, क्वार्टर फाइनल, ये हमारा क्या था, क्वार्टर फाइनल टेस्ट था, क्वार्टर फाइनल मैच था, तो यहाँ पे टीम रिप्रेजेंटेशन था, तो जिस टीम ने अच्छा किया उस टीम वो टीम आगे जाएगी सेमीफाइनल राउंड के लिए, और जो टीम यहाँ पे हमारी नहीं अच्छा कर पाई है वो यहाँ से टाटा बाय बाय होंगे। बट आई होप ये क्वेश्चन जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन सीरीज जो है इनको जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हमारा मोटो क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन पहले थोड़े से क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल, फार्मा प्रीमियर सीजन, और फार्मा प्रीमियर लीग में वी आर गोइंग टू गिव द अवार्ड फॉर द 25,000 रुपीज कैश प्राइज। जी हाँ, उसका भी हम आपको जब फाइनल राउंड हमारा होगा वहां पे जरूर उसके लिए हम सारी चीजें आपको क्लियर करके देंगे। ओके चलिए, कंटेंट सारा मिलेगा वीरेन। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा और फटाक से चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट स्पीड चलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में लेते चले जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप द रिवाइटल एच, रिवाइटल एच आप टीवी देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको रिवाइटल एच इतनी बार एड दिख जाता होगा, बट आपने कभी सोचा ये किस कंपनी की है, रिवाइटल एच कौन सी कंपनी डेवलप करती है, कंपनी का एड भी वहां प्रमोशन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, सारे आप लोगों का रिस्पॉन्स आता रहेगा, चीजें थोड़ा मजा आती रहेंगी। बात करते हैं रिवाइटल की, बात करते हैं वेदर रिवाइटल एच, वेदर रिवाइटल एम, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, सब में आ रही है ना। तो अगर बात करते हैं रिवाइटल की, तो ये हमारा कौन कंपनी बनाती है, सन फार्मास्यूटिकल बनाती है। कौन सी बनाती है, सन फार्मास्यूटिकल बनाती है, जीएसके नहीं बनाती है, वन एंड ओनली वन
सन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी की बात करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी बनाती है, जिसके अभी करेंटली हमारे सीईओ कौन से हैं? अनिल सिंघवी साहब। कौन है? अनिल सिंघवी साहब। ये इसके फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, एमडी भी हैं। चलिए तो आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या है? सन फार्मास्यूटिकल। रिवाइटल कौन कंपनी बनाती है? देखिए अभी भी काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हैं, मैं सबको कंफर्म करूंगा, रिवाइटल सन फार्मा बनाती है। एक बार एड में जाके देख लीजिएगा, नहीं तो गूगल करके देखिएगा, मजा जरूर आएगा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। नेटेलीमाइसिन, नेटेलीमाइसिन आपने पढ़ा, नेटेलीमाइसिन हमारी क्या होती है? अमीनो ग्लाइकोसाइड सीरीज है। कौन सी है? अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, तो ये किसकी हमारी क्या है? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। इज द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। किसकी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है? नियोमाइसिन, सिसोमिसिन, टोब्रामाइसिन एंड कैनामाइसिन। जल्दी से आंसर, आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेशंस है। सर टाइम कितना था टेस्ट के लिए? जस्ट यहां पे आपके पास टाइम था ओनली 40 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं था, 50 क्वेश्चंस थे। या ओके, सो हियर अगर हम बात करते हैं, वेयर इज, ओके डेफिनेटली डेफिनेटली प्रियंका, आई विल कम इन द इंग्लिश, नॉट हिंदी, नॉट इंग्लिश, बोथ कैन बी मिक्स अप, सो हियर इट विल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके चलिए, तो इन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग? एग्जैक्टली नॉट नियोमाइसिन, नॉट नियोमाइसिन। नहीं बेटा, गूगल करने जाओगे तो आपका टेस्ट बंद हो जाएगा, तो गूगल एग्जाम के टाइम पे आप गूगल नहीं कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? सीसोमिसिन, विच इज द सीसोमिसिन। सीसो मींस नेटेलीमाइसिन इज द सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ द सीसोमिसिन। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एमिकेसिन, देर आर टू ड्रग, दो ड्रग हमारी होती है जो क्या होती है? सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है, एमिकेसिन एंड नेटेलीमाइसिन। करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? सीसोमिसिन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सीसोमिसिन। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रेड एंड मिल्क आप यूज करते होगे, कभी सोचा? विच ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट आर दीज? ब्रेड एंड मिल्क हमारे डेली रूटीन के हिस्से हैं। ब्रेड एंड मिल्क आज की डेट पे अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो यहां पे हम बात करते हैं ब्रेड एंड मिल्क स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट, अनशॉर्ट प्रोडक्ट। किस टाइप की प्रोडक्ट है, कभी इसके बारे में सोचा? ये हमारे लिए किस टाइप की प्रोडक्ट है? स्पेशलिटी नहीं, स्पेशल प्रोडक्ट तो नहीं हो सकते हैं। ओके शुभम, बिल्कुल, अगर आप बात करोगे दूसरे फोन से तो इतना टाइम आपके पास नहीं रहता, 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं, तो डेफिनेटली आपको टाइम का थोड़ा वहां पे जरूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ब्रेड एंड मिल्क आर विच टाइप ऑफ द, दीज आर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट। किस टाइप के प्रोडक्ट है? कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया। सर राइट आंसर क्या है? कन्वीनियंट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, कन्विंस होते हैं, दैट इज द कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ओके नेक्स्ट आ जाइए, आफ्टर 2 ईयर्स विथ 2,280 deaths, Ebola was finally declared over on 25th June 2020. किस कंट्री ने, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, किस कंट्री से 20th May के बाद एग्जाम हुआ था? 20th May के बाद एग्जाम हुआ था बेटा, ये अभी हुआ था 24th को, yesterday, बिफोर yesterday हमारा ये हुआ था, ठीक है, तो 24th को हुआ था सोविक, अब हमारा नेक्स्ट 27th को होगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, पहले क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं। केन्या, नाइगर, नाइजीरिया एंड डीआर कॉन्गो। तो अगर हम बात करते हैं किस कंट्री ने 2020 में इबोला को ओवर कर दिया है अपने कंट्री में, कि हाँ हमारे कंट्री में ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, नॉट नाइजीरिया, दिस इज वन एंड ओनली डीआर कॉन्गो। किसने किया है? डीआर कॉन्गो कंट्री ने इसको किया है, कि हाँ हमारे यहाँ पे इबोला पूरी तरह खत्म हो चुका है, उन्होंने इसको क्या ओवर डिक्लेयर कर दिया है, कब किया? 25th June 2020 को डिक्लेयर किया है। No, not for the PSD. PSD for second attempt is not needed. Okay, single आपका GPAT sufficient है. The recent leap year where February has had 29 days is was कब था? 2017, 18, 19, 20 कौन सा year ऐसा था जो leap year था? जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए. Leap year आप सभी जानते हो. The leap year is that year in which the February have the 29 days. हम बात कर रहे हैं. तो leap year कौन सा था हमारा? One and only one. तो यहां पे हमारा कौन सा आंसर है? 2020 काउंट करिएगा, काउंट करिएगा, लास्ट ईयर ही हमने 2020, नहीं बेटा 17 में नहीं था, 20 में था, करेक्ट है, 20 हमारा ऐसा था जो लीप ईयर था, वहां पे 29 डेज थे, बाकी सब में नहीं थे। सिंपल हम क्या बोलते हैं? द ईयर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द 4, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, जो नहीं होगा वो नहीं है। 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20, सिंपल यहां पे आपको एक चीज में ध्यान रखना है, तो आंसर यहां पे हमारा आ गया।
एग्जैक्टली चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हुआ 2020। नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी देयर कोविड 19 वैक्सीन हैज इफेक्टिव रेट। आज की डेट पे सभी आप लोग वैक्सीन 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 की बात कर रहे हैं, वैक्सीन 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 की बात हो रही है। तो बात आई कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसका इफिकेसी रेट उन्होंने कितना कोट किया है, जल्दी से आप लोगों की तरफ से एक दिमाग में होना चाहिए। 1 and only 1 80 85 90 95 कितना उन्होंने कोट किया है। फाइजर कंपनी का कोटेशन है और उनका जो प्रूफ है देयर वैक्सीन हैव द 95% इफिकेसी। कितना है? 95% इफिकेसी है। आंसर क्या है? डी। करेक्ट आंसर है हमारा क्या? डी, 95% इफिकेसी उनका प्रूफ है। नेक्स्ट आ जाइए। विच इज अ प्रोडक्ट, इनकी अगर हम बात करते हैं, कीटोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन एंड सुलिंडैक, इनमें से कौन सी हमारी प्रोड्रग है? थोड़ा फास्ट में चलेंगे, जल्दी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कौन सी यहाँ पे प्रोड्रग है, 1 and only 1 जो हमारी सबसे पहली प्रोड्रग आई थी, सुलिंडैक। सुलिंडैक सल्फाइड मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है। कीटोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन बात करते हैं, ये सारी हमारी क्या है? नसाइड्स है। नसाइड्स क्या होती है? एक्टिव ड्रग होती है। तो आंसर क्या हुआ? सुलिंडैक। चीजें आपको बहुत बेसिक वे में चीजें समझ में आ रही होंगी। एग्जैक्टली चलिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पहली चीज मैं आपको नोट कराऊंगा, ये सारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पहला चीज बोल देता हूं। लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन है जो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसको फुल्ली यूज नहीं करेंगे? आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब हाँ, मैं बोलूंगा सारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच हैव द कॉम्बिनेशन हैव द हाइएस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, टेराटोजेनिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका है 1 and only 1 ए ऑप्शन। क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोरोक्विनोलोन्स, नॉरफ्लॉक्सासिन, कोट्रिमोक्साजोल, मिफेनाइड, नैलिडेक्सिक एसिड, कोट्रिमोक्साजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक चीज सबसे नोट करने वाला था कि फ्लोरोक्विनोलोन्स हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, चलिए मान लिया। लेकिन अगर दो फ्लोरोक्विनोलोन्स को लगातार दिया जाएगा, मींस ऐड करके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के रूप में दिया जाएगा, तो उससे हमारा जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? एज मच एज इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद द फ्लोरोक्विनोलोन्स। मतलब हम एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ दूसरा फ्लोरोक्विनोलोन्स ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा टेराटोजेनिक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आपको फिर बेसिक पढ़ना पड़ेगा अभी। चलो आ जाओ। Which of the following is the designer drug? कभी नाम सुना है? Designer drug क्या होती है? अगर आप बात करते हो designer drug हमारी क्या होती है? Designer drug हमारी वो होती है जो हमको designer बना देती है, हमको designer बना देती है। आप बोलोगे सर मैं तो designer कपड़े पहनने से, मेकअप करने से और cool दिखने से designer होता हूं। But यहाँ पे हमारा पॉइंट है, डिजाइनर ड्रग मतलब हमारा जो है, हमारा जो ब्रेन एबिलिटी है वो हमारी चेंज हो जाती है, वहां से हम डिजाइनर की बात हो रही है। तो क्या है? कोकेन, हीरोइन, मेथेम्फेटामिन एंड कैनाबिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग आपके लिए होता है। यहाँ पे डिजाइनर ड्रग की बात करेंगे तो एम्फेटामिन एंड मेथेम्फेटामिन, ये दो ड्रग हमारी होती है जिनको क्या कहलाती है? डिजाइनर ड्रग कहलाती है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं, टोटली इलीगल बोलते हैं। कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस, ये हमारी यूज होती हैं एज अ फार्मास्यूटिकल ग्रुप में अलग अलग। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेथेम्फेटामिन, दिस इज द टोटली इलीगल हमारी ये प्रोडक्ट होते हैं, डिजाइनर मेडिसिन में आती है। करेक्ट, तो मेथेम्फेटामिन इज द डिजाइनर ड्रग। कम ऑन, नेक्स्ट आ जाइए। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सिप्ला फार्मास्यूटिकल। आज की डेट पे आप बात करते होगे सिप्ला फार्मास्यूटिकल, कौन ऐसा फार्मा स्टूडेंट है जो सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम नहीं जानता है? आप सभी जानते होंगे। सिंपल, आज की डेट पे सिप्ला फार्मास्यूटिकल का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आंसर उमंग बोहरा, दिलीप सांघवी, रेमंड मेलोए एंड अनिल जोसेफ। चलिए इनमें फाइंड आउट करिए, इनमें फाइंड आउट करिए। थैंक यू पीके सॉल्यूशन, बट एक्चुअली इस समय जितना गर्मी हो उतना अच्छा है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल के कौन है डायरेक्टर? बहुत बढ़िया ऋत्विक, 1 and only 1 उमंग बोरा सर। कौन है? उमंग बोरा। उमंग बोरा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, मींस एमडी ऑफ द फार्मास्यूटिकल, सिप्ला फार्मास्यूटिकल। दिलीप सांघवी अभी हमने बात किया, ये किसके हैं? ये सन फार्मास्यूटिकल के हैं। रेमंड मेलोए की बात करते हैं, ये फाइजर के हमारे आते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें हेड नहीं है। ओके चलिए, तो आंसर क्या हुआ? उमंग बोरा। उमंग बोरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद द 10 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस। अगर रिडक्शन किया जाएगा, किसको किया जाएगा? नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस किया गया। चलिए, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस किया गया, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और किसके प्रेजेंस में किया गया?
टिन एंड HCl के प्रेजेंस में किया गया तो क्या बनेगा, ये NO2 जो होगा ना, ये NO2 जो होगा ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, यानी क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन, वन एंड ओनली वन आंसर क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। ज्यादा इस पे डिटेल में बात में जाइएगा, अभी जस्ट एक क्विक रिविजन के बेसिस पे आइए। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन टेनिस व्हेन द स्कोर इज 40-40। हमारा टेनिस की बात करते हैं, टेनिस अगर आप लोग में से कोई खेलता होगा तो डेफिनेटली आंसर जरूर मिल गया होगा, लेकिन हमारे साथ तो मैक्सिमम क्रिकेट वाले खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ टेनिस का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बड़ा चीटिंग है ना। आप बोलेंगे सर बड़ा चीटिंग किया है, लेकिन चीटिंग नहीं बेटा, हर गेम से प्यार होना चाहिए और हर गेम का रेस्पेक्ट होना चाहिए, हर खिलाड़ी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। एस, लेग, ड्यूस एंड टाई, क्या बोला जाता है, जब अगर अगर आप क्रिकेट में तो बोलते हो ना टाई हो गया, मैच टाई हो गया, स्कोर इक्वल हो गया, मैच टाई हो गया, लेकिन ये आप टेनिस में ये नहीं बोलते हैं। टेनिस में क्या बोलते हैं, टेनिस में हम इसको क्या बोलते हैं, टेनिस में इसको हम ड्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया सार्थक, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, ड्यूस बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है, टेनिस वाले खिलाड़ी जरूर समझ जाएंगे ड्यूस क्या होता है। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं बेटा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स इज, लीनियर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ फाइव, सर आई क्वालिफाइड जीपैट इन 2020 बाय वाचिंग योर वीडियो, थैंक यू सो मच चंदना, थैंक कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर दिस टाइप ऑफ काइंड वर्ड्स, ये हमें जरूर मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट ईयर और कुछ अच्छा करने के लिए। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने होते हैं जब लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे वाइब्रेशंस कितने आएंगे, फाइव टाइप में जाएंगे, मतलब हम क्या बोलेंगे, 3n-5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3n-5 बोलेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, 3n-5 एग्जैक्टली, आंसर हियर वी हैव द बी आंसर, दैट इज द 3n-5, कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइपोफिलिक बेस, सॉरी हाइड्रोफिलिक बेस, हाइड्रोफिलिक बेस का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा क्या नहीं है। साफ फैजल, केडी त्रिपाठी सर मेरे भी वैसे ही टीचर लगते हैं जैसे आपके टीचर हैं, एग्जैक्टली बस वही चीज, हमारा भी उनका रिलेशन है। चलो एग्जैक्टली आ जाओ, चलो जल्दी ध्यान समझो, हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, हाइड्रोफिलिक बेस, नॉट का पूछा गया कौन सा हाइड्रोफिलिक बेस नहीं है, सोप ग्लिसरीन बेस, इमल्सिफाइड कोका बटर, ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस, नन ऑफ द अबव, आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, इमल्सिफाइड कोका बटर, इमल्सिफाइड कोका बटर इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक बेस नहीं होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक बेस नहीं होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विक्स इनहेलर किसने यूज नहीं किया, डेफिनेटली यूज किया होगा, सर्दी हुआ जुकाम हुआ होगा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्स इनहेलर यूज किया, किस कंपनी का है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, मेरे नाइपर वाले प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स इनहेलर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में हो सकता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो वन एंड ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंटास फार्मास्यूटिकल, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर प्राइवेट लिमिटेड, नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल, सनोफी फार्मास्यूटिकल, कौन सी कंपनी बनाती है, यूज किया है कि नहीं, अगर यूज किया है तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। विक्स इनहेलर कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर्ड करती है, चलिए जल्दी से, आपने कभी नाम सुना है, पी एंड जी ऐसा नाम होता है, हाँ जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर कौन बनाती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, बिल्कुल प्रॉक्टर एंड गैम्बलर बनाती है, तो पीएनजी फार्मा की हमारी प्रोडक्ट होती है विक्स इनहेलर, विक्स वेपोरब यूज किया होगा। बेटा नेक्स्ट सेशन तो अब आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, क्योंकि आईपीएल आपको सीजन साल में एक ही बार होता है ना, तो ये भी एक ही बार होगा। चलो मिनोक्सीडिल, मिनोक्सीडिल किस क्लास की ड्रग है, मिनोक्सीडिल किस क्लास की ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, इनहिबिटर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज पंप, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मिनोक्सीडिल की बात करते हैं, मिनोक्सीडिल सबसे ज्यादा यूज हमारा किसमें यूज होता है, एलोपेसिया के लिए यूज होता है, यानी बाल्डनेस वाली सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो इस क्या होता है, ये हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर, मिनोक्सीडिल, हाँ जी मिनोक्सीडिल हमारा क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पोटेशियम चैनल ओपनर, नहीं बेटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नहीं है, कम ऑन,
नेक्स्ट आ जाइए, द यूजुअल वॉल्यूम फॉर इंट्रा मस्कुलर रूट। ओके, आईएम रूट में आपका यूजुअल वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना होता है, कितना यूज किया जाता है, कितना यूज किया जाता है मिनोक्सीडिल। ओके चलिए, ओके यूजुअल वॉल्यूम फॉर द आईएम, आईएम रूट के लिए पूछा गया है। अगर आईएम रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0.5 to 2 ml, 0.5 to 2 ml हमारा यूज किया जाता है किसमें, इंट्रा मस्कुलर रूट में 0.5 to 2 ml यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या हुआ, 0.5 to 2 ml। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अ पर्सन विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कभी नाम सुना है, ए ब्लड ग्रुप सुना होगा, बी ब्लड ग्रुप सुना होगा, ए बी सुना होगा, ओ सुना होगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्चुअली हमारा क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप है जो बॉम्बे में खोजा गया। किसने खोजा, वाई एम भिंडे साहब थे, उन्होंने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया, तो उन्होंने इसका नाम दिया क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या हुआ कि एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पेशेंट ही दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ब्लड डोनेट या रिसीव कर सकता है। तो आंसर यहां पे क्या हुआ, अ पर्सन विद द बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु इज फ्रॉम, किस से चाहिए कि हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ब्लड चाहिए, ए ब्लड बी ग्रुप नहीं, ए बी ग्रुप नहीं, ओ ग्रुप नहीं, तो आंसर क्या हुआ, नन ऑफ द अबव, क्योंकि राइट आंसर क्या होगा, ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही हमको ब्लड चाहिए। तो राइट आंसर क्या हुआ, नन ऑफ द अबव यहाँ पे होगा, डी आंसर होगा, बिल्कुल आप डी पे चलो, एकदम करेक्ट आप रहोगे, है ना, चीजें समझ में आ रही होंगी मेरी, बिल्कुल मधुर बहुत बढ़िया। कमॉन, स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन, रेनॉल्ड्स नंबर स्टोक्स लॉ की बात हो रही है, स्टोक्स लॉ हमारा कब अप्लाइड नहीं किया जाता है, स्टोक्स लॉ वैसे मैं बात करूं सेडिमेंटेशन के लिए अप्लाइड किया जाता है, आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। तो बात करते हैं स्टोक्स लॉ, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0.8.224 किससे ज्यादा हो जाए, मींस किससे ज्यादा हो जाए, मोर देन, इफ स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी, अगर हम बात करें 0.2, नहीं बेटा दीपाली, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है लेकिन नॉर्मल केसेस में बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमारा रेयर ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप भी काम नहीं करता है, इस चीज को जरूर ध्यान से रखिएगा दिमाग में। तो हम बात कर रहे हैं 0.2 से ज्यादा अगर हमारी रेनॉल्ड्स नंबर हो जाती है तो वो हमारा वहां पे स्टोक्स लॉ हमारा फॉलो नहीं होता, कैन नॉट बी अप्लाइड। कम ऑन, 20th क्वेश्चन, इन एचपीएलसी पंप विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द पंप इज यूज्ड, एचपीएलसी पंप में हम कौन सा, HPLC पंप में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें HPLC में हम कौन सा पंप यूज करते हैं, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, टर्बाइन पंप एंड वॉल्यूट पंप। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं HPLC में हमारा कौन सा पंप यूज होता है, यहाँ पे पिस्टन पंप यूज होता है। क्या यूज होता है, यहाँ पे आपका पिस्टन पंप यूज होता है। आप लोगों ने HPLC पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इसका आंसर भी निकाला होगा, बी नहीं होता बेटा, यहाँ पे हमारा पिस्टन पंप यूज होता है, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर पिस्टन पंप। कम ऑन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 70% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 15% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको एलिगेशन मेथड पे लेके जा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन पे भी लेके जा सकते हो। सिंपल क्या कह रहा है, 70% वेट बाय वेट सॉल्यूशन आपके पास है और उसको बनाने के लिए 600 ml बनाने के लिए आपको 15% का वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन कितना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा, मैं आपको आंसर सिंपल दे देता हूँ, 107 ml। कितना आएगा, 107 ml आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। बहुत बढ़िया सोनाली जी, हाँ 107 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हमारा 107 ml आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा। पिस्टन सिरिंज रेसिप्रोकेटिंग पंप, बहुत बढ़िया दिव्या, हाँ जी। Which compound is most acidic? कौन सा compound इसमें से है जो most acidic है? अगर हम बात करें CH4, NH3, water and hydrogen sulfide. कौन सा होता है यहाँ पे हमारा? कौन सा हमारा most acidic है? आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। Acidic की बात करते हैं, सबसे ज्यादा acidic यहाँ पे हमारा hydrogen sulfide आएगा, H2S आएगा। This is the correct options. ये हमारा most acidic होता है। H2S क्या होता है? Most acidic compound होता है। So that is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रीड आउट करिएगा, जल्दी से रीड आउट करिएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट ऑफ टच मी नॉट प्लांट, कभी नाम सुना है टच मी नॉट प्लांट, दैट इज छुई मुई, नाम सुना होगा, देखा भी होगा, टच मी नॉट प्लांट लीड टू द
क्लोजिंग ऑफ इट्स लीफ व्हेन टच, जब आप उसको टच करते हो तो अपनी लीव्स को क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है. दिस इज द मूवमेंट ऑफ विच टाइप, निक्टेनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, कीमोनेस्टिक मूवमेंट एंड फोटोनेस्टिक मूवमेंट. फोटो से तो नहीं है, ओके, कीमो केमिकल से भी नहीं है, बचा दो. निक्टेनेस्टिक की बात करते हैं, सिस्मोनेस्टिक की बात करते हैं. चलिए छुई मुई, हां जी, यहां पे हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं. छुई मुई के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोनेस्टिक. बहुत बढ़िया. मिमोसा पुडिका, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया. हां जी, तो हम बात करते हैं मिमोसा पुडिका में कौन सा मूवमेंट होता है? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है. छूने से वो हमारी लिप्स क्या हो जाती है, उसकी क्लोज हो जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया. चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन, लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज, लेस नेगेटिव विल रिड्यूस, लेस पॉजिटिव विल रिड्यूस, लेस नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज, मोर पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज एंड मोर नेगेटिव विल रिड्यूस, मोर पॉजिटिव विल रिड्यूस एंड मोर नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज. कम ऑन, गो फॉर दिस. Sir, I am currently pursuing M.Pharm in pharmacology and want to do PhD. So please, can you recommend me PhD exam? Definitely, Chandana. Definitely, we will recommend you. इस पे हमारा एक वीडियो आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा. मैं M.Pharm और PhD के लिए सेपरेट वो वीडियो बना रहा हूँ और कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप उन चीजों को कर सकते हो. थोड़ा सा इस संडे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जरूर सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. जी हाँ, अलहदा, अगर हम बात करते हैं नाउ, दिस इज द करेक्ट प्रियंका. मीन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन, more positive will oxidize and more negative will reduce. The compound which have the more positivity that will oxidize and the compound which have the more negativity that will reduce. So correct answer is the C option is the correct options. Here we have the correct options. Ek bar redox reaction ko recall kariyega, definitely aapke answer ye clear ho jayenge. Nahin, more positive reduce nahi hota hai beta. Come on, next question, 25th question. Which country is set to host the मेंस एडिशन ऑफ द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 किसको सेटअप किया गया, किस कहां कंट्री में होने वाला था जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा. हमारा नेशनल गेम है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए नेशनल गेम के बारे में. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हमारा कहां पे होने वाला है 2021 का, वन एंड ओनली वन. हां जी, हमारा नेशनल गेम है तो हमारी हम खुद ही करवाने के प्लान में है ना, तो कहां पे होगा, इंडिया में. कहां पे होगा, इंडिया में होगा. जी हाँ, 2021 इंडिया गोइंग टू होस्ट फॉर द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021, बट कब होगा, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया है. लाइक आईसीसी जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ये बात करें, कौन सा सब्जेक्ट है सर, बेटा ये जीके है, ये जीके है. चलिए, माइकल कॉलिंस हु हैव पास्ड अवे वाज अ वेल नोन. चलिए, नाम जरूर आपने कभी ना कभी सुना होगा, अगर न्यूज कभी देखने की शौक रखी होगी. वो न्यूज नहीं जो आज की न्यूज हो गई हमारी, क्या कॉमेडी हो गई, मैं उस न्यूज की बात नहीं करता हूँ. लेकिन जेन्युइन न्यूज की बात करें, हमेशा थोड़ा सा देखना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए. माइकल कॉलिंस की बात करें, हु हैज पास्ड अवे वॉज अ वेल नोन. क्या थे हमारे ये, क्या थे हमारे माइकल कॉलिंस? माइकल कॉलिंस इज द वेल नोन एस्ट्रोनॉट और ये कई बार हमारे स्पेस में जाके वापस आए. तो जी हाँ, ये हमारे क्या है, एस्ट्रोनॉट. ये क्या है हमारे, एस्ट्रोनॉट. एग्जैक्टली, वेल नोन एस्ट्रोनॉट थे जो अभी रिसेंटली एक्सपायर्ड हुए हैं, पास्ड अवे हुए हैं. क्रिकेट प्लेयर नहीं थे, ठीक है. ये माइकल कॉलिंस की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉट थे. वेरी गुड, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नासा ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट हैज बिगन इट्स 2 ईयर जर्नी बैक टू द अर्थ आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम विच एस्ट्रॉइड. किस एस्ट्रॉइड से ये सैंपल कलेक्ट करके लाया है, जिसको नाम दिया गया था नासाज ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट. ये कहां से आया है, वेनु, केर्स, सिरिस, वेस्टा एंड जूनो. कम ऑन, बिलीव इन योर सेल्फ. थोड़ा सा वेट करिएगा बेटा, जरूर आ जाएगा. डस जीके कम्स इन जीपैट. प्रतीक्षा, दिस इज नॉट ओनली फॉर द जीपैट, दिस इज फॉर द Niper, DI, pharmacist, GPAD, so everywhere is there. So Niper, yes, right now the Niper is main target and the pharmacist exam here. Binu, very good, yes, correct है. ये हमारा कहाँ से आया? Binu से आया था. Binu से ये astronaut हमारे, Binu astronaut से asteroid से ये sample collect करके लेके आया. This is the correct options. Binu की बात हो रही है. चलिए 28th question क्या कह रहा है? Wheat germ oil has high content of this vitamin. Wheat germ oil में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन ए, सी, डी एंड ई. कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? कम ऑन, गो फॉर दिस. यहां पे हमारा राइट आंसर क्या है?
वीट जर्म ऑयल में हमारा विटामिन ई, दैट इज द टोकोफेरॉल प्रेजेंट होता है. कौन सा प्रेजेंट होता है? टोकोफेरॉल विटामिन ई प्रेजेंट होता है. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. 29. द एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ. चलिए, कभी आपने सोचा, पढ़ा होगा, खैर आप ये 9th 10th में केमिस्ट्री का, जी हाँ, वहां पे आपके केमिस्ट्री का मेजर पॉइंट था कि सन क्यों गर्म होता है, सन में हीट क्यों होती है, उसकी एनर्जी कहाँ से होती है. हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्यूजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फ्यूजन, हाइड्रोजन एंड एर्गॉन फ्यूजन एंड हाइड्रोजन एंड यूरेनियम फ्यूजन. वन एंड ओनली वन. जी हाँ, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है. हाइड्रोजन एंड हीलियम के फ्यूजन से, फ्यूजन से हमें क्या मिलता है, सन की एनर्जी होती है. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द कम्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये बेसिक क्वेश्चंस की जानकारी जरूर करिए और आपको नॉलेज होना चाहिए इन बेसिक क्वेश्चंस पे. कम ऑन, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है. सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ जिरकोनियम, येट्रियम एंड एर्बियम टुगेदर कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ सोर्स. ओके, आप इन सोर्स को थोड़ा याद करो. ये सोर्स आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे. इज दिस लेक्चर ओनली फॉर जीपैट और नॉट? प्लीज प्लीज प्लीज. ओके अनुज, दिस इज नॉट ओनली फॉर द जीपैट, नॉट ओनली फॉर द जीपैट. ओके, दिस इज फॉर द फार्मा कंप्यूटर एग्जाम. कई सारे एग्जाम उसमें कवर अप आपके होंगे. तो अगर हम बात करते हैं हमारा सिंटर्ड ऑक्साइड, जो हमारा मिक्सचर ऑक्साइड होते हैं, जिरकोनियम, येट्रियम एंड एर्बियम की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सोर्स होता है. लेकिन कौन सा सोर्स होता है? ये हमारा नस्ट ग्लोवर सोर्स होता है. बहुत बढ़िया पंकज, वेरी गुड. दिस इज द नस्ट ग्लोवर सोर्स. हमारा किस टाइप का सोर्स होता है? नस्ट ग्लोवर सोर्स हमारा जो होता है, दिस इज द सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ जिरकोनियम, येट्रियम एंड एर्बियम. कम ऑन, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है. लुक एट दिस सीरीज, आपके पास एक सीरीज दी गई है. चलिए जल्दी से फाइंड आउट करिए. 2, 6, 18, 54. व्हाट विल कम हियर, व्हाट विल कम हियर? 108, 148, 162, 216. फाइंड आउट करिए क्या रिलेशन है. 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54. नाउ 53 multiplied by 3, तो क्या होने वाला है? 162. फाइंड आउट करिए, मिला कि नहीं मिला, सबका आंसर आया कि नहीं आया, सबका आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 162 इज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 162. हाँ जी, मिल गया. कैसे आया वो आपको क्लियर हो चुका होगा. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 32. प्रिडिक्ट द मेटाबॉलिक फेट ऑफ बेंजीन. बेंजीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? बेंजीन का मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस से होता है? कम ऑन, गो फॉर दिस. हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशन. अगर बेंजीन की मेटाबॉलिज्म की आप बात करिएगा तो हाइड्रोक्सिलेशन से अच्छा और क्या होगा? बेंजीन मेटाबोलाइज बाय द हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस. हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, यस, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ द बेंजीन. बेंजीन के मेटाबोलिज्म में हाइड्रोक्सिलेशन की बात करते हैं. कम ऑन, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस. ओके, ये आपके पास एक 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में सेट करिए कि पहले कौन आएगा, देन कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, लेटर वन कौन सा आएगा. सबसे पहले क्या होता है? ओके, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर एंड फ्रेज. सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आपको लेटर की जरूरत है, तो पहला आपका क्या हो गया? 4. लेटर आने के बाद क्या बनाते हो? लेटर से आप बनाते हो वर्ड बनाते हो. लेटर आने के बाद आप क्या बनाते हो? वर्ड बनाते हो. So now we have the word. अब word बनने के बाद क्या बनाते हो? Word के बाद आप एक phrase बनाते हो. Word के बाद आप क्या बनाते हो? एक phrase बनाते हो, जिसको हम एक sentence से पहले हमारा एक phrase बनता है. Phrase बनाने के बाद आप क्या करते हो? Now sentence बनाते हो. अब क्या बनाओगे आप? Sentence बनेगा. Phrase से हमारे क्या बनेंगे? Sentence बनेंगे. और sentence कई सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा पैराग्राफ बनेगा. कम ऑन, क्या हुआ आंसर? 41532. सीक्वेंस बना कि नहीं बना? सबका सीक्वेंस यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 41532, आंसर एक ही मिल रहा है, करेक्ट है. तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट. ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट का जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, प्रोड्यूस सीजर, सीजर प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीव सिम्टम्स ऑफ द एपिलेप्सी, एंटी साइकोटिक इफेक्ट एंड डिपेंडेंस ऑन फैक्टर्स. कम ऑन, जल्दी से क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कि ग्लूटामेट का एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लूटामेट हमारा कब नीडेड है? सीजर को प्रोड्यूस कराने के लिए, माफ कीजिएगा, रिलीव सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी. हाँ जी, एपिलेप्सी के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए एंटी साइकोटिक इफेक्ट इसमें बिल्कुल नहीं होता, डिपेंडेंस ऑन फैक्टर नहीं. तो यहाँ आंसर क्या हुआ? रिलीव सिम्टम्स ऑफ द एपिलेप्सी. एपिलेप्सी के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए
हम यहां पे यूज करते हैं क्या, ग्लूटामेट यूज करते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. कम ऑन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. लुक एट दिस सीरीज, कम ऑन, सीरीज का सीक्वेंस बनाना है. सीरीज में क्या कह रहा है आपके पास, सीरीज क्या मिल रही है देखते हैं. चलिए 3634302824, ओके. यहां पे बात किया गया, कितना रिड्यूस किया गया, दो माइनस किया गया, टू माइनस है. यहाँ पे कितना माइनस फोर किया गया, यहाँ पे कितना किया गया माइनस टू किया गया, यहाँ पे कितना किया गया माइनस फोर किया गया. तो अब क्या करेंगे, माइनस टू माइनस फोर की सीरीज चल रही है, अब क्या करेंगे, माइनस टू करिए, माइनस टू करिए, माइनस टू करेंगे तो आपको क्या मिला, टू फोर से माइनस टू करेंगे, आंसर क्या मिला, 22 मिला. क्या मिला, 22 मिला. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, 22 करेक्ट सीक्वेंस हमको मिल गया, बिल्कुल मिला यहाँ पे. चलो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. न्यू ब्लड वेसल्स के ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म यूज किया जाता है. न्यू ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, उसकी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं. मैं आपके ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा. बायोसिंथेसिस क्या होती है, जहां प्रोडक्शन होता है केमिकल्स की बात करेंगे. एंजियोजेनेसिस ब्लड का प्रोडक्शन. एपोप्टोसिस की बात करते हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आपके सेल डेथ होती है. मेटास्टेसिस की बात करते हैं, जहां पे ग्रोथ हमारी होती है. सो हियर राइट आंसर इज द एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का ग्रोथ हमारा कहलाता है क्या, एंजियोजेनेसिस कहलाता है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37. फ्रॉम इंडिया हु हैज अचीव टॉप रैंक इन द फॉर्च्यून्स वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021. अरे वाह, अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो वैक्सीन याद आना चाहिए. वैक्सीन से रिलेटेड अभी हमारे एक साहब सर हैं जिनको वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर बनाया में उनको वैक्सीन में नाम दिया गया है. ओके, कौन है उनका नाम, क्या है उनका नाम, मुकेश अंबानी, आधार पूनावाला, नरेंद्र मोदी एंड रणदीप गुलेरिया. नहीं, यही नहीं, वैक्सीन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, आधार पूनावाला. जी हाँ, आधार पूनावाला की बात करते हैं. आधार पूनावाला इनका नाम, वैक्सीन क्यों, कोवैक्सीन से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं. जी हाँ, आधार पूनावाला ने, ये क्या है डायरेक्टर, कहाँ पे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपने जरूर नाम सुना होगा. तो ये इसके डायरेक्ट सीईओ हैं अभी करेंटली पे. तो इनको ही क्या वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 में इनका रिकमेंडेशन किया गया है, यहाँ पे इनको रैंक दिया गया है. तो राइट आंसर क्या है, आधार पूनावाला. मोदी जी को नहीं मिला है बेटा. चलो, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द नेचुरल प्रोडक्ट करेंटली बींग स्टडीज एंड एंटी कैंसर एजेंट. What is the name of the structure? Okay, आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, न्यूज में रहे. हाँ जी, न्यूज में बिल्कुल चल रहे हैं. ये केमिकल स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको क्या याद आ रहा है, कौन सा केमिकल ड्रग है, थैलिडोमाइड, फिमेजिलिन, डेप्सीपेप्टाइड एंड एक्लारुबिसिन. एक्लारुबिसिन, चलो कम ऑन, आंसर यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है. ये अगर हम बात करते हैं, एक चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा. सल्फाइड बॉन्ड देखते ही देखो, आपको स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना था, सल्फाइड बॉन्ड मिला. सल्फाइड बॉन्ड मिलते ही आपको याद आना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है. थैलिडोमाइड, फिमेजिलिन, नहीं, डेप्सीपेप्टाइड. डेप्सीपेप्टाइड यहां पे आंसर आया, मिला कि नहीं मिला, डेप्सीपेप्टाइड इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, ये हमारा क्या है, पेप्टाइड इन नेचर है. कैसे इसमें कंफ्यूजन हो गया, कैसे इसमें कंफ्यूजन हुआ, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. राइट आंसर क्या है, That is the deoxypeptide peptide. Come on. Question number 39. Which of the following group has the highest priority in the CANS in gold prelog sequence rule? कौन सा हमारा okay, amine group है. चलो next आ जाओ. ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, कैन इन गोल्ड प्रीलॉक्स सीक्वेंस रूल हमारा होता है. ये किसके लिए किया जाता है, ये हमारा एसिड के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है. हायर एसिडिटी टू लो एसिडिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, एसिड. और एसिड देखते ही हमको क्या मिल रहा है, COOH, COOH, दिस इज द एसिड. हाँ जी, तो एसिड के लिए किया जाता है. CHO बेटा एल्डिहाइड होता है, सी के लिए नहीं किया जाएगा. यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, COOH की बात हो रही है. तो राइट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द रूल विच इज फॉलोड फॉर द एसिड, दैट इज द COOH. कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 48. विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज. बहुत बड़ा
चलिए, अगर बहुत अच्छी बात है सार्थक, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से थोड़ी भी चीजें अगर क्लियर हो जाती हैं तो जरूर मैं अपने टारगेट जो मेरा है कि आप लोगों को क्लियर कर पाऊं उस पे मैं शायद सफलता प्राप्त करता हूं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की बात करें, टाइम्स मैगजीन 2021 में किस कंपनी को रखा, बात करते हैं लास्ट ओनली 7-8 ईयर की जर्नी है, 7-8 ईयर की जर्नी है, लेकिन आज ये कंपनी हमारी मोर देन 100 करोड़ की कंपनीज हो चुकी है। कौन सी कंपनी है? बायजूस। बायजूस की बात करते हैं। जी हाँ, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी नहीं है बेटा। अनअकैडमी पहले से ही ऑलरेडी उसमें है। 2021 की बात करते हैं तो 2021 में हमारी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई है? बायजूस हुई है। अनअकैडमी ऑलरेडी अपना एक मुकाम बना चुका है बेटा। तो आंसर क्या हुआ? दैट इज द बायजूस कंपनी की बात हो रही है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम द कॉलम इज नोन एज, कॉलम्स में द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग ओके द कंपोनेंट्स फ्रॉम द कॉलम ओके, प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है। नहीं नितिन, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है इस पे, ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि खरीदा कि नहीं खरीदा, क्योंकि न्यूज आई थी लेकिन वो कंप्लीट हुआ वो डील की नहीं, ये नहीं कंफर्म। कम ऑन, चलिए आंसर ढूंढिए। इल्यूट, इलिवेंट, इल्यूशन एंड इवेल्युएशन। आपसे क्या पूछा गया मेरे बच्चों, एक चीज और समझिएगा, क्या पूछा गया है? प्रोसेस पूछा गया है। अगर प्रोसेस पूछा गया है रिमेनिंग द कंटेंट फ्रॉम द कॉलम, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? एग्जैक्टली प्रोसेस होगा इल्यूशन, इल्यूशन प्रोसेस होगा। इल्यूट इलिवेंट, इल्यूट हमारा जो फिल्टर हो जाएगा, इलिवेंट जो हमारा होगा जिसको फिल्टर किया जाने वाला है, तो इल्यूट इलिवेंट एंड इल्यूशन, ये तीनों वर्ड हमारे रिलेटेड है। लेकिन आपसे प्रोसेस पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? इल्यूशन होगा। इन तीनों चीजों को जरूर कोरिलेट करके चलिएगा। आंसर क्या हुआ? इल्यूशन। कम ऑन, नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको इसको रिप्लेस करना है। कम ऑन, क्या कहने का मतलब है? आइस कोल्डनेस, आइस ठंडी होती है, आइस में क्या होती है? कोल्डनेस होती है। ठीक है, आइस में कोल्डनेस होती है। अर्थ में क्या होगी? अर्थ में क्या होगी? अर्थ में वेट होगा, अर्थ में जंगल होगा, अर्थ में ग्रेविटेशन होगा, अर्थ में सी होगा। आप इसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आप इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आइस में कोल्डनेस है तो अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशन है। अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशन है। हां जी, ग्रेविटी इसमें प्रेजेंट है तो ग्रेविटेशन है। करेक्ट है, तो यहां पे क्या हुआ? ग्रेविटेशन इज द करेक्ट आंसर। अर्थ में हमारा क्या मिलेगा? ग्रेविटेशन मिलेगा। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। हां जी, एंजाइम आप पढ़ते हो, एंजाइम में आपका आता है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? इंक्रीज केएम विथ और लिटिल चेंज इन वीमैक्स। लिटिल चेंज जैसा तो कोई चीज होता ही नहीं है। डिक्रीज केएम, डिक्रीज वीमैक्स, इंक्रीज वीमैक्स, क्या होता है? कम ऑन, गो फॉर दिस। चलिए, किसकी बात हो रही है ये जरूर समझिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात हो रही है। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि यहां पे हमारा केएम में कोई चेंज, नॉन केएम में कोई चेंज नहीं होगा। और वी मैक्स क्या होगा? वी मैक्स हमारा डिक्रीज होगा, वी मैक्स डिक्रीज होगा और केएम में नो चेंज होगा, इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव, नो केएम हम इसको पढ़ते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हुआ? डिक्रीज वी मैक्स एंड नो चेंज इन केएम, दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इंसुलिन डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद, इंसुलिन डिफिशियंसी किससे रिलेटेड है? हाउ कैन यू से ग्रेविटेशन लाइक द प्रॉपर्टी? हियर वी आर आस्किंग अबाउट द प्रॉपर्टी, बिकॉज आइस हैव द कोल्डनेस, आइस हैव द कोल्डनेस मीन्स कोल्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइस। इन द सिमिलर वे ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी हैव द अर्थ, सो दैट इज द वेट। See, this is inside the earth, not outside. So that is the correct answer, gravitation. Okay, come on. Insulin deficiency is associated with reduced lipolysis, increased ketogenesis, reduced gluconeogenesis and reduced proteolysis. Insulin deficiency की बात हो रही है। इंसुलिन डिफिशियंसी रिड्यूस्ड लाइपोलिसिस की वजह से इंसुलिन डिफिशियंसी होगी? नहीं,
चलिए चंदन, थैंक यू, बट मैं जीडीसी में ही खुश हूँ, केबीसी में जाने की मुझे अभी नीड नहीं है और ना ही मुझे अभी इच्छा है, बट थैंक यू सो मच, कम ऑन। चलिए, थोड़ा भी अगर हम पढ़ ले पाते हैं, थोड़ा भी अगर हम सीखते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कम ऑन, अगर इंसुलिन डिफिशियंसी की बात हो रही है, मींस वहां पे हमारा कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, जितने ज्यादा कीटोन बॉडीज बढ़ेंगे, जितने ज्यादा कीटोन बॉडी बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंसुलिन डिफिशियंसी होगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इंसुलिन डिफिशियंसी। कम ऑन, नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बस अब रिजल्ट आने वाला है, जल्दी से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। रेमडेसिविर इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ विच एंजाइम, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कितना अभी इस समय कोविड का चल रहा होगा, रेमडेसिविर कितनी बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, रेमडेसिविर इज द आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, एंटीवायरल ड्रग होती है, हमारी किस टाइप की क्लास होती है, ये हमारी आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होती है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एकदम ठीक है, एक्सोराइबोन्यूक्लिएज नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, यहाँ पे हमारी रिफॉर्मपसिन काम करती है, डीएनए गायरेज फ्लोरोक्विनोलोन्स काम करती है, तो आंसर क्या हुआ, 50 क्वेश्चन बेटा, टोटल इनक्रेडिबल फैक्ट 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आंसर क्या हुआ, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रिसेंटली रेनिटिडीन मेटफॉर्मिन वेयर इन द न्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इंप्योरिटी, अभी कुछ एक साल पहले की बात है, हमारा ये बहुत ज्यादा हमारा ये हाईलाइटेड थी, रेनिटिडीन की बात हो रही थी कि रेनिटिडीन हमारी ये प्रॉब्लम है, रेनिटिडीन में ये प्रॉब्लम है। इनक्रेडिबल फैक्ट, टोटल 50 क्वेश्चन है बेटा, एक ही क्वेश्चन आपके पूछने से तो नहीं चेंज होंगे। चलिए आ जाइए, रिसेंटली रेमिटिडीन मेटफॉर्मिन वेयर इन द न्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच इंप्योरिटी, नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमीन, मिथाइल नाइट्राइल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर अमीनो बाई फिनाइल। सो हियर द राइट आंसर इज द, बिल्कुल, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है कि रेनिटिडीन में नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन, ये हमारी रेनिटिडीन और मेटफॉर्मिन दोनों में ये इंप्योरिटी प्रेजेंट, जो हमारी किडनी डैमेज बहुत ज्यादा करती है, उसके लिए इसको काफी हद तक बैन करने की बात की गई थी। तो राइट आंसर क्या हुआ, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन, नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज, अगर आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाइक अगर आप एक क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब अब आप बोलोगे सर सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है, रेयरेस्ट केस होता है, लेकिन ऐसा आप लोग पाओगे नहीं प्रैक्टिकली, मूवीज में देखने को मिल सकता होगा, लेकिन आप करके देखिएगा, जब खड़ा हो जाए जरूर मुझे बताइएगा कब आपका सिक्का स्टैंडिंग पोजीशन पे हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। सो राइट आंसर क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी कहां पे लाइज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 में लाइज होगी। सो हियर राइट आंसर 0 and 1 मींस ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी स्टैंड बिटवीन 0, वेदर इट विल बी द पॉजिटिव और वेदर इट विल बी द नेगेटिव, मींस 0 and 1, दिस इज द रेंज एट विच बिल्कुल प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन द 0 and 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन, द फिनोमेना ऑफ फर्मी रेजोनेंस, फर्मी रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड, फर्मी रेजोनेंस, हैव यू लिसन अबाउट द फर्मी रेजोनेंस, बिल्कुल आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अगर हम फर्मी रेजोनेंस की बात करते हैं तो फर्मी रेजोनेंस में हमारा एक कॉमन फीचर्स आता है, एग्जैक्टली मींस फर्मी रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड इनटू द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्मी रेजोनेंस किस में आता है, आईआर इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा फर्मी रेजोनेंस आता है बेटा, वो एनालिसिस वाले वीडियो पढ़िएगा वहां पे आपका वो क्लियर होगा। डाइस का केस ही अलग है बेटा, वहां प्रोबेबिलिटी तो आप लगाते ही नहीं हो, वहां तो आपके पास 6 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 to 6 डिजिट में कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 49, एज मच एज 70% ऑफ ऑल ऑफ द एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नीडेड बाय इंडिया टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स कम्स फ्रॉम, अभी आपने थोड़ी दिन पहले इसके बारे में बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि हमारी जो एपीआई है, हमारी एपीआई किस कंट्री से आती है और उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, यहाँ पे एपीआई प्रोडक्शन करना चाहिए, तमाम आपने सुना होगा। तो बिल्कुल हम बात करते हैं, एपीआई हमारी मैक्सिमम एपीआई कहाँ से आती है, चाइना से आती है, कहाँ से आती है, चाइना, जी हाँ चाइना से हमारी मैक्सिमम एपीआई आती है, उन्हीं को हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इंडिया में हमारी एपीआई भी प्रोड्यूस हो सके और साथ में हमारे जितने भी चीजें हैं तो इस हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो सके। सो आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, चाइना, दैट इज द करेक्ट आंसर, चाइना। कम ऑन,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, चलो इस पे आज लास्ट क्वेश्चन क्या था, 100% प्रूफ स्पिरिट मींस। प्रूफ स्पिरिट आप अच्छे से जानते हो सर। वन रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज डू द क्लास इन इंग्लिश एज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिंदी। एक्चुअली चंदना, देयर आर द सम फीचर्स लाइक मैनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर द हिंदी, मैनी स्टूडेंट आस्क फॉर द इंग्लिश, देन आई एम कंफ्यूज्ड ऑलवेज विच लैंग्वेज शुड आई यूज, वेदर हिंदी और इंग्लिश, सो आई हैव प्रिफर्ड फॉर गो फॉर द इंग्लिश। सो आई होप बोथ विल बी ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। कम ऑन, धांधलीबाजी करता है, चलो कोई बात नहीं। फार्मा स्टडी, जब आप लोग साइंटिस्ट बनोगे तो एक कोशिश करेंगे कि एपीआई सारे यही बनेंगे। चलो, प्रूफ स्प्रिट, 100% प्रूफ स्प्रिट का मतलब क्या होता है? आपको बताना है इथेनॉल का वेट बाय वेट वॉल्यूम, 100%, 75.1%, 60% और 49.29। देखिए दो चीजें होती हैं, अगर आपसे यहाँ पे बात होती है वेट बाय वेट पूछा जाए या वेट बाय वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम वाले तो आपका होता है 57.1 होता है, और जब वेट बाई वेट पूछा जाए तो 49.29, दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर क्या होगा, 49.29, दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है, ये हमारा राइट आंसर हुआ डी, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वेट। कम ऑन, तो ये तो हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अब उस चीज का इंतजार जिसके लिए मेरे काफी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कौन सी टीम है जो विनर हुई है और उनके क्या स्कोर्स आए हैं। एज यू ऑल नो, हियर वी हैव द मैच और टेस्ट बिटवीन द टीम्स। सो नाउ द हाईएस्ट मार्क्स, द टीम विच हैव गॉट हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं। चलो मैं सबसे पहले आपको टीम के बारे में ही बात करूंगा, इनके मार्क्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स हमारा मिला है एम्फिटामिन थंडर्स को, किसको मिला है, एम्फिटामिन थंडर्स ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया है। सो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, मींस द टॉप ऑन द टेबल, ये हमारी टॉप ऑन द टेबल वाली टीम है, कौन सी, मॉर्फिन थंडर्स। इसमें से जो टोटल इनके मार्क्स आए, क्योंकि हमने बात किया था टोटल मार्क्स, क्योंकि अब बात होगी यहाँ पे टीम वाइज, इंडिविजुअल मार्क्स का वैल्यूज अब उतना नहीं होगा, यहाँ पे टीम वाइज की बात होगी। सो हियर 195, 176, 160, आप देखिए यहाँ पे सबका जो परफॉर्मेंस था कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तभी ये हमारी विनर हो पाएंगी। तो हाँ जी, इन सारी टीम्स के जो पार्टिसिपेंट है इनका कंबाइंड इफेक्ट इफल्ट था, जिसकी वजह से ये हमारी मॉर्फिन थंडर्स टॉप ऑन द टेबल है। बात करते हैं सेकंड की, सेकंड टीम हमारी है एस्प्रिन सुपर किंग। एस्प्रिन सुपर किंग हमारी सेकंड पोजीशन ऑन द टेबल है, सेकंड पोजीशन एस्प्रिन सुपर किंग, दिस हैव द टोटल मार्क्स कितने, इनके टोटल नंबर कितने आए, 15, 12, तो इन्होंने टोटल कितने रन बनाए, 15, 12 बनाए, कौन से, एस्प्रिन सुपर किंग, प्रत्युष वर्णकर, अभिनव रहाणे, दीपाली सालू, युवराज, सौरभ गजबीय, लक्ष्मण स्वामिया, गुरुप्रसाद कामपुरा, अमृता पाटिल, नम्रता नवे, हितेश, दिस इज, तो ये हमारी सेकेंड टीम है, सेकेंड टॉप टीम। मैं नेक्स्ट टीम पे जाने से पहले, अच्छा आपको पहले मैं मार्क्स बाकियों के बता देता हूँ जल्दी से एक बार। नेक्स्ट टीम में हमारी आती है मोडाफिनिल हिटर, थर्ड पोजीशन पे कौन सी हमारी है, मोडाफिनिल हिटर की बात करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, चलो आ जाओ। हमारी आती है पैरासिटामोल हिटर्स, पैरासिटामोल हिटर्स, इस टीम ने टोटल कितने पाए, 1360, तो ऑलमोस्ट ये हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजीपाम नाइट राइडर, डाइजीपाम नाइट राइडर दैट हैव गॉट द 1354, ये हमारी डाइजीपाम राइडर है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिमेट्सावेट सनराइजर, रिमेट्सावेट सनराइजर की बात करते हैं, इनके टोटल मार्क्स कितने आए, 1238 आए। तो अगर इनके बेसिस पे हम बात करते हैं, इनके बेसिस पे, अच्छा हाँ, ये हमारी मोडाफिनिल चार्जर 1466, एम्फिटामिन रॉयल्स 1492 एंड फेविप्रापिर 1462। तो आपने दो टीम तो पहले देखी, कौन कौन सी, मॉर्फिन थर्ड 1610 एंड एस्प्रिन सुपर किंग 1512, ये टॉप टू टीमें हैं। नेक्स्ट थर्ड टीम हमारी यहाँ पे हो रही है 1492 के साथ एम्फिटामिन रॉयल्स, दिस इज द थर्ड ऑन द टेबल। एंड फोर्थ हमारी यहाँ पे होती है 1462 एंड 466, दैट इज द फोर्थ हमारी कौन सी हुई, मोडाफिनिल चार्जर हुई। तो ये चार टीमें हैं, ये चार टीमें हैं सर,
जो टीम हारी उनके मार्क्स भी बता दो। हाँ जी, ये मार्क्स बता रहे हैं। फेविप्रापिर इंडियन, देखिए फेविप्रापिर इंडियन की बात करते हैं तो ये 1462 मार्क्स है, केवल 4 मार्क्स से ये कम रह गई, अदरवाइज मोडाफिनिल चार्जर से ये विनर हो सकती थी, तो 4 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए। तो ये तीन हमारी, ये हमारी दो तो पहले हो चुकी, दो ये गई, और बाकी हमारी देखिए ये तीन हमारी डिस्क्वालिफाइड होती है, 1360, 1354 एंड 1238। तो ये वो हमारी टीम है जो डिस्क्वालिफाई हुई। अल्टीमेटली हम बात करें कौन कौन सी 4 टीमें हैं जो हमारी नेक्स्ट मैच में जाने वाली है, यानी नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली है। सो दीज आर द 4 टीम्स विच आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट सेमी फाइनल मैच ऑन द 27th मे 9 PM, यानी टुमारो की बात हो रही है। सेमीफाइनल टीम ये हमारा रेडी हो चुकी है फॉर द नेक्स्ट वन। कम ऑन, तो यहां पे हमारी मॉर्फिन थंडर, एस्प्रिन सुपर किंग, एम्फिटामिन रॉयल्स एंड मोडाफिनिल चार्जर अपने मार्क्स के साथ में टॉप ऑन द टेबल। मॉर्फिन थंडर, देन एस्प्रिन सुपर किंग, एम्फिटामिन रॉयल्स एंड मोडाफिनिल चार्जर। तो ये टीम हमारी नेक्स्ट राउंड यानी सेमीफाइनल मैच 27 मे को प्ले करने वाली है, और 27 मे को इनका मैच होगा। यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस का सीरीज सेम होगा, मैं आपको YouTube पे लेके आऊंगा, जरूर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए। सर मैं भी टीम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सॉरी बेटा अनुज, अभी ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसको लिए आपको लीग मैच क्वालिफाई करना पड़ता है। सो दिस इज द सेकेंड सीजन ऑफ फार्मा प्रीमियर लीग, सो अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट वन, 3rd सीजन ऑफ द फार्मा प्रीमियर लीग इन द नेक्स्ट ईयर। दिस ईयर दिस मैच इज गोइंग टू कम्प्लीट, दिस PPL Pharma Premier League is going to complete on the 29th को हमारा ये complete होगा final. So with this, thank you so much to all of you. अगर ये questions आपको अच्छे लगे, आपके comment मैं जरूर देखना चाहूंगा comment box में, अगर होता है तो जरूर हम semi-final match को भी आप लोगों के साथ, means semi-final के जो test match होगा, means question होंगे, उनको भी हम आपके साथ discuss करेंगे. So with your comment and compliment, thank you so much to all of you. मिलते हैं next video में. Thank you so much to all of you.